मेरा अहमदाबाद कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना, आज का नया दिन, नई शुरुआत। तो आज पूरे दिन बहुत सारा खेल हो चुका है और भाई मैं यहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा कि पानी चलता हुआ बहुत मस्त दिख रहा है यार। देखो तो पानी चलता हुआ कितना मस्त दिख रहा है। तो सुबह से बहुत सारा भागा दौड़ी हो रहा है। अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले ही बाइकर स्टूडियो जाके आया, मेरे लिए एक हेलमेट देखकर, पर मेरे साइज का नहीं मिला। फिर सुबह सुबह डॉक्टर ने भाई देखो दो मस्त इंजेक्शन भर के भाई मेरे ब्लड रिपोर्ट्स लिए। चलो कोई नहीं, बीमारी तो आती रहती है, होता रहता है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ फैजान भाई के वहाँ पे, वहाँ से निकल रहा हूँ मैं अपने जेडे राइडर के ऑफिस, उसको मिलने के लिए। तो पूरे दिन आज मैं क्या करता हूँ देखता हूँ, उसका ब्लॉग बनाता हूँ, फिर डालता हूँ कि नहीं डालता। डालूंगा तो आप देख लोगे, नहीं डालूंगा तो कोई नहीं। आज लेके निकला हूँ मैं मेरी एक्टिवा 6G और भाई व्हाट अ व्यू, देखो मस्त दिख रहा है ना। ये है मेरा अहमदाबाद, हम सबका अहमदाबाद गाइस, कितना मस्त दिख रहा है। तो गाइस कब का हम वो ब्रिज पर से रिवर फ्रंट को देख रहे थे, अब सीधा रिवर फ्रंट से रिवर फ्रंट देखो, और सामने ये हमारा अटल ब्रिज भाई, कितना शानदार दिख रहा है ना। देखो कितना मस्त दिखता है ना अटल ब्रिज, देखो। और भाई पानी कितना शानदार दिख रहा है। ओह कितने लोग है भाई अटल ब्रिज पे, दिख रहे हैं? ये रहे देखो, ये कीड़े मकोड़े इस तरह से जमा हुए है भाई लोग, देखा। फैजान भाई जब मीटअप करते हैं ना तो इसी जगह पे मीटअप करते हैं, सामने यहाँ पे, वो सामने गुज्जू भाई वगैरह भी आए थे, तब भी यहाँ पर मीटअप किया था। गुज्जू भाई आपको याद है उस जगह पे मीटअप किया था हम लोगों ने वो। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपने कालिए दोस्त के पास। कैसे हो फैजान भाई? बढ़िया। क्या करना है अपनी एक्टिवा में आज? एडीएम लगवाना है ना, तो फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? मैं नहीं रेडियम लगवाने आया, मैं तो तुमको मिलने आया था भाई। देखो भाई अब मैं रेडियम नहीं लगाने वाला, इसको ऐसा लगता है कि मैं रेडियम लगवाने आया हूँ, अब मेरे को नहीं लगाना फैजान भाई। नहीं छोड़ो, ऐसी ऐसी नीच बात करते हो तुम, ऐसी छोटी बातें करते हो। मैं तुमको मिलने आता हूँ और तुम ऐसी बातें करते हो कि रेडियम लगवाने आया। रेडियम वाला हमारे वहाँ नहीं है, तुम्हारे बाजू में ही रेडियम वाला है साला, 22 किलोमीटर दूर रेडियम लगाने आऊंगा मैं। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी इतने का पेट्रोल जाता है ना उससे कम दाम में तो मैं वहाँ पे लगवा लूंगा, मालूम चले वो। जितनी जान हो ना उतनी बड़ी बड़ी बात है, उसका जोर से चिल्ला। मैं तुमको जितनी इज्जत दे रहा हूँ उतनी इज्जत रखो, तुमको इज्जत दे सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ, याद है ना। 2 hours later. तो गाइस मैं और फैजान भाई जा रहे हैं जेडी भाई के ऑफिस पर बचिए खाने के लिए। मेरे को जाना पड़े। फैजान भाई 220 कहाँ गई? 220 गई है, अभी आएगी। ये पीछे चल रही वो ले रहे हो क्या? टायर लेने में बहुत तकलीफ हो रही Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. हवा भरने का कितना लोगे? हवा भरने का 5 रुपया 150 रुपया देगा। और यहाँ आ चुके जगदीश भाई, जगदीश भाई कैसे हो?
और यहाँ एक्टिवा में भाई बहुत हवा कम थी, अभी भरवाई मैंने। मैं फैजान को पूछ रहा था भाई, भाई मेरी बाइक, अरे मेरी एक्टिवा दो बार नीचे लग चुकी है, देखा तो अंदर मतलब टोटल एयर ही नहीं है। फिर जगदीश भाई के वहाँ गए थे और फिर भाई स्टोरी बनाई जगदीश भाई के लिए हमने, जगदीश भाई तो भाई नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी देखना और भाई टैग कर देना हमको, और जगदीश भाई को मतलब कोई इंटरेस्टेड है तो जगदीश भाई को भाई पर्सनल में मैसेज करना वो स्टोरी भी मैं यहाँ नीचे डाल देता हूँ, देखना कैसी स्टोरी है। तो गाइज ये मेरा बड़ा भाई है, इससे जो भी लड़की शादी करेगी उसको हम 2 आईफोन 12 देंगे, और ये हमारी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में हम उसको 80% का पार्टनर भी बनाएंगे। वो देखो तो अच्छे से हवा बनना, पगार कट जाएगी। बाइक राइडिंग और इनको जो है जानवरों को बचाना और वाइल्ड लाइफ का जो है काफी बड़ा अच्छा शौक है, वो भी ये पूरा करते हैं। तो भाई बिना मौसम बारिश आ रही है भाई, भगवान क्या चाहता है बादल कैसे गरज रहे, और यहाँ एप के भाई का इंटरव्यू चल रहा है, देखो सूरज और बारिश दोनों साथ में, भाई सूरज भी निकला हुआ है देखो और बारिश भी हो रही है, शायद दिखाई दे रही है, दिख रहा है यहाँ पे छोटी छोटी बारिश चल रही है, तो वहाँ पता चलेगा। देखो भाई क्या करके मानोगे, यार डर कब लगता है पता, बाइक जब स्लिप होती है ना तब। आगे का टायर तो पापा जी फरी की तरह टायर भी चला जाता है। हम तो आए थे खाना खाने, यहाँ होटल में ही है और यहाँ बस बारिश चल रही है भाई, अब जाए तो जाए कैसे यार, मेरे को जाना पड़े। 2 hours later. भाई साहब रोड पे बारिश गिरी है देखो, ये भाई अपने बुलेट की आवाज भी ऐसी तेज थी, मेरे बुलेट की भी ऐसी आवाज थी मालूम है ना भाई, बारिश गिरी जा रही है कब की लग रही है। और भाई का इंटरव्यू हुआ, भाई भेजन भाई का इंटरव्यू हुआ और भाई तगड़ा इंटरव्यू था, मजा आया हमको इंटरव्यू देने का। ओम भोम गालिए तो जग्गा ये जगदीश भगत, बिग फैन सर, बिग फैन सर, सर कैसे हो सर? बस ठीक है, हमारे YouTube को लाइक करो भाई। फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? हम निकलते हैं। ठीक है जगदीश भाई, अभी थोड़े देर के लिए साथ में, फिर निकल जाते हैं अपने घर के लिए। बारिश भी हो रही है भाई, देखो बारिश कैसी हो रही है, जोरदार यार। ये देखो कपड़े सब मेरे। चलो तुम आगे आगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे। चलो तो गाइस उस टाइम पे बारिश ही ऐसी हो रही थी कि भाई कोई व्लॉग ही नहीं हो सकता था, फिर बाद में भाई एक्टिवा की मेरी ऐसी खराब हालत हो चुकी थी भाई बारिश में, तो उसको धुलवाया अच्छे से भाई, क्लीन करवा के घर पे लेके गया, उसके भाई जो फिर लेटा हूँ भाई ठंड में कंबल ओढ़ के जो लेटा हूँ भाई नेक्स्ट लेवल, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं मिला। उसके दूसरे दिन जगदीश भाई आए, जगदीश भाई के साथ गए हेलमेट लाने के लिए, क्योंकि भाई क्या होता है कि वो नए नए यूट्यूबर है, अभी मैं भी वीडियो डालूंगा वो भी वीडियो डालेंगे, दोनों का सेम कंटेंट हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। उनको मैंने महंगा वाला अच्छा सा हेलमेट दिलाया, बहुत बढ़िया भाई नेक्स्ट लेवल हेलमेट है, नहीं देखा तो उनके चैनल पर जाकर देखना भाई कि कैसा हेलमेट लिया है हम लोगों ने, MT का हेलमेट लिया है, बस नेक्स्ट लेवल हेलमेट। फिर बहुत से मौके मिले वीडियो बनाने के, पर ऐसा हो रहा था कि भाई सब यूट्यूबर है सबके साला मैच हो जाते थे कंटेंट, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है
तो बस यहीं तक ही वीडियो थी। तो भाई अभी तो 4-5 दिनों बाद वापिस एडिटिंग करने बैठा हूँ, वीडियो बने हुए 4-5 दिन हो गए भाई, आज एडिटिंग करने का टाइम मिला है जो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट कर देना अच्छी सी भाई, और मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। भारत माता की जय, जय जवान कहे, जय किसान, वंदे मातरम।